दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ओप्पो और वीवो दोनों में से किसके स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको इन दोनों में से किसके स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद आते हैं, किसका कैमरा अच्छा होता है, कमेंट करके हमको एक बार बता दिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के स्मार्टफोन के बारे में, वीवो V20 के बारे में। दोस्तों वीवो V20 स्पेशल एडिशन यानी कि ऐसी की जो स्पेसिफिकेशन है वो सामने निकल के आ गई है, जहाँ पर ये फ़ोन जो है ना काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं टेस्ट गुरु। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों यहाँ पर वीवो V20 SE की जो स्पेसिफिकेशन है वो सामने निकल के आ गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले की, तो इस फोन में 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, यानी कि 1080p वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर 403 PPI जो है ना आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी। तो उससे यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है यहाँ पर। अब ये फ्रंट में है और बैक में है कि नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं पड़ा है, लेकिन बैक में जो ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्लास्टिक कवर दिया गया है, तो फिर यहाँ पर प्लास्टिक कवर हमको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट की, तो इस फोन में यानी कि वीवो V20 SE में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यहाँ पर मेन सेंसर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर बुके इफेक्ट कैमरा यानी मिल जाता है आपको। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच, यहाँ पर पंच होल कैमरा सेटअप नहीं है, यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच आपको मिल जाती है, जहाँ पर 32 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है F2.0 अपर्चर के साथ में। इसके अलावा यहां पर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आपको यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इसके कैमरे में देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4100 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर आपको जो है ना 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी और इस फोन में USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें स्टोरेज की, तो 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, जहाँ पर आप स्टोरेज को 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड 10 वगैरह मिल ही जाएगा और ऐसे में जो है ना फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। तो ऐसे में ये प्राइस किस प्राइस पे लॉन्च होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर चिपसेट वगैरह देख के तो ये लगता है कि 665 चिपसेट है, तो 15,000 और 10,000 के बीच में ये लॉन्च होना चाहिए, लेकिन कंपनी देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करती है। ऐसे में जो ये फ़ोन है वो ऑनलाइन मार्केट के लिए खासकर नहीं है, ये ऑफलाइन मार्केट के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो हालांकि ये ऑनलाइन मार्केट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा खरीदने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपने क्या सोचा है कि ये फ़ोन कितनी कीमत पर लॉन्च होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।